दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सत्यमेव जयते और गोल्ड के सेकंड डे कलेक्शन के बारे में। पहले दिन सबसे बड़ा सरप्राइज रहा सत्यमेव जयते का कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, खबरों के मुताबिक फिल्म ने 18 से 19 करोड़ का कारोबार पहले दिन किया, जो कि काफी अच्छा आंकड़ा है। 2200 स्क्रीन पर रिलीज होने के बावजूद जॉन अब्राहम ने इतनी शानदार कमाई की, जबकि गोल्ड से इसका क्लैश भी था। आज दूसरे दिन भी दोस्तों सत्यमेव जयते के लिए अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। आज नॉन हॉलीडे है, ऐसे में जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते आज 10 से 11 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, यानी कि दो दिन में ये फिल्म 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। दोस्तों फिल्म का बजट 46 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है, ऐसे में सत्यमेव जयते भी काफी अच्छी फिल्म साबित हो रही है और जल्द ही ये फिल्म भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। जॉन की ये फिल्म सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है उनके लिए। आपको फिल्म सत्यमेव जयते कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं। और भी खबर के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो। अब बात करते हैं 15 अगस्त को रिलीज हुई दूसरी फिल्म गोल्ड की। दोस्तों गोल्ड ने भी काफी दमदार आंकड़ा छुआ था पहले दिन। 27 करोड़ की भारी भरकम ओपनिंग ली अक्षय कुमार ने। 3300 स्क्रीन पर यह फिल्म भारत में रिलीज की गई है और दूसरे दिन भी इसको 70% ऑक्यूपेंसी मिलने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें, दूसरे दिन भी इसका कारोबार बेहतरीन होगा और 15 करोड़ से ऊपर रहने वाला है आंकड़ा। 18 करोड़ रुपए तक भी जा सकता है, यानी कि दोस्तों गोल्ड दो ही दिन में 50 करोड़ के बेहद ही करीब कमाई कर लेगी। 45 करोड़ ही आंकड़ा माना जा रहा है। अक्षय कुमार की ये फिल्म शुरुआती 4-5 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा दर्ज कर लेगी और अक्षय की ये फिल्म 200 करोड़ या फिर 300 करोड़ भी जा सकती है। दोस्तों गोल्ड आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में बताएं और सत्यमेव जयते गोल्ड में से आपको कौन सी बेहतर लगी जवाब दें। सब्सक्राइब करें देखो देखो और भी खबर जानने के लिए।